देश में महामारी का जो दौर चल रहा है उससे कोई भी अछूता नहीं रह गया है और उस पर से इस लॉकडाउन में जो लोगों को असुविधा हो रही है उसकी बात ही अलग है। इस महामारी में जरूरी सेवाओं, खाद्य सामग्रियों और दवाइयां लोगों तक पहुंचाना जैसे एक बड़ी चुनौती को पार करना है। लॉकडाउन में जरूरी सामान पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवरों की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। जरूरी सामान एक शहर से दूसरे शहरों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कुछ ट्रांसपोर्ट सेवाओं को जारी रखने का फैसला लिया गया है। ऐसे में दौंड तहसील के भाट गांव की विटगढ़ कंपनी में मुंबई से निकले हुए 4-5 ट्रक 2-3 दिनों से कंपनी के पास सड़कों पर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से उनको खाने का राशन नहीं मिल पा रहा है। जो राशन उनके पास बचा रखा था वो भी अब खत्म हो गया है। वहीं ट्रक ड्राइवरों ने सरकार से राशन की सहायता मांगी है और उनको हो रही असुविधा पर सोच विचार करने की अपील की है।